महाराष्ट्र में इस साल अगस्त के महीने में जारी मराठा आरक्षण की मांग अब हिंसक हो चली है। आरक्षण की मांग कर रहे दर्जनों लोगों ने सोमवार को बीड के मांजला गांव में एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी घर और दफ्तर में पत्थरबाजी की है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां पर दर्जनों बाइक और कार में भी आग लगा दी। बता दें कि बीते दिनों एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जारंगे के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे। आज उनके घर और दफ्तर पर हमले की वजह से इस वीडियो को बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं विधायक प्रकाश सोलंकी ने इस घटना को लेकर कहा कि जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर मौजूद था, हालांकि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ है, हम सभी सुरक्षित हैं।